I feel it, I feel you. I didn't want to do this. Baby, I love you so much. पुलवामा में हुई घटना की खबर सुनते ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी कलाकारों ने ट्वीट करके इसकी कड़ी निंदा की है और शहीदों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अगर इंडस्ट्री से सामने आ रही ताजा रिपोर्ट्स की माने तो अदाकारा कंगना रनौत ने अपनी हालिया रिलीज फिल्म मणिकर्णिका की सक्सेस पार्टी को कैंसिल कर दिया है और शहीद CRPF जवानों को श्रद्धांजलि दी है। कंगना रनौत ने बयान में कहा है, पाकिस्तान ने केवल हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया है बल्कि हमारी गरिमा को भी ललकारा है। हमें जल्द से जल्द कोई बड़ा एक्शन लेना होगा वरना हमारी खामोशी को हमारी कायरता समझ लिया जाएगा। आज भारत लहू लुहान है। जब कंगना रनौत से शबाना आजमी और जावेद अख्तर द्वारा कैंसिल किए गए कराची इवेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, शबाना आजमी जैसे लोग ही पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने के लिए इजाजत देने के पक्ष में खड़े होते हैं। यही वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग्स को प्रमोट करते हैं। ये लोग अब अपना चेहरा छुपाने का काम कर रहे हैं। कंगना रनौत ने इंडस्ट्री को भी आड़े हाथों लिया और कहा, फिल्म इंडस्ट्री एंटी नेशनल से भरी पड़ी है। ये लोग विरोधियों का मनोबल ऊंचा करने का काम करते हैं। हालांकि अभी हमारा फोकस पाकिस्तानी कलाकारों के बैन पर नहीं बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने पर होना चाहिए। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। फिर मिलूंगी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।